जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अवसर दिया है कि आज की रात्रि में डेली डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर की संगति कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उस वाणी को हम उसकी सुनेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे, तेरी करुणा हमारे साथ रहे और खुदावन तेरी उपस्थिति में होते अपने जीवन को गुजारते हैं। जाने और अनजाने में कोई गलती गुना पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा खुदावन। पूरे दिन की प्रभुता तेरे हाथों में सौंपी थी खुदावन, और ये अवसर तूने दिया था कि प्रभु तेरी महिमा कर सकें। तेरे वचन को जब शेयर करते प्रभु जी, मुख मेरा हो वाणी तेरी पिता बन गए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। चूंकि हम समय हो गया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। सागर सागर दया का तू है, प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार का सागर सागर दया का तू है, प्यार का सागर सागर दया का तू है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय 10 पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इस वायदे के लिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वायदे पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, आप बिल्कुल भी निराश ना हो क्योंकि जो वायदा उसने अपने वचन में कर दिया वो 100% है। प्रेज द लॉर्ड। राई मिले सागर की ऊंचाई, सागर दया का तू है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में उसने डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 1:14 कहता है, ईश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, चल होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, प्यार
के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार कल सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और भाई विजय कुमार द्विवेदी जी का, और भाई विजय डेविड साहब का, और अपनी बहन सुषमा सिस्टर का, और भी जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं और सबको मैं जय मसीह की बोलता हूं। क्योंकि प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आराधना करना मेरा और आपका काम है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के कलाम में से मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय और उसके 31 पद से चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 31 पद, और वो 31 चौथा अध्याय और 31 पद क्या कहता है, वो कह रहा है यहाँ पर। उससे पहले जो हेडिंग दी गई है वो लिखिए, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका खुदा क्या करता, हर एक व्यक्ति को, चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, कोई भी कारण हो, लेकिन मेरे और आपके पास परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी दी है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें वो अथॉरिटी मिली है? जी हाँ, मुझे और आपको यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है। लेकिन मैं और आप क्योंकि विश्वास में कमजोर है, और कोई कारण है, इस कारण से मैं और आप क्या कर रहे हैं, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पावर और अटॉर्नी हमको दी है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। आगे हम सीखेंगे इस बात को। और लिखा है 31वें पद में, फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया। वो गलील के कफरनहूम नगर में गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। अब सबत का दिन था, और वो कह रहा है उस दिन वो लोगों को उपदेश दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों को, जो बड़ी रहस्यमय बातें हैं मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको समझाना चाहता है। और मुख जरूर मेरा है, लेकिन वाणी परमेश्वर की है मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो। 32वां पद कहता है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए। हालेलुया। किसके उपदेश से? प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने यह अथॉरिटी दी थी कि वो उपदेश को दे रहा था, तो वो बड़े चकित हुए। अरे भाई, ये कैसे हो गए? ये तो एक साधारण बड़ाई का लड़का, वो यूसुफ बड़ाई का लड़का है। ये हमने तो उसको पलते बढ़ते बड़े होते हुए देखा है। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता, हम जब प्रभु के कलाम को बोलते हैं, या हम उन स्थानों पर जहाँ हमारी अपनी कलीसिया होती है, या हम लोगों के बीच में जो हमारे अपने लोग हैं, उसकी कदर नहीं की जाती है। प्रेज द लॉर्ड, सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, उसकी कदर नहीं की जाती। लेकिन सच मानिए कि प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने हमें अथॉरिटी दी है। हालेलुया। और यहाँ पर 32वें पद में वो कहते हैं, वे सब उसके उपदेश से चकित हो गए कि अरे, ये तो बड़ाई का लड़का है, क्या बढ़िया उपदेश दे रहा है, कैसे अधिकार के साथ दे रहा है। और ये बात लिखिए, क्योंकि उसका
वचन अधिकार संहिता, हालेलुया, उसको अथॉरिटी किसने दी थी? पिता परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह को जो अथॉरिटी दी थी वो पिता परमेश्वर ने दी थी, वो कोई उसकी अपनी अथॉरिटी नहीं थी, वो परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी अपने बेटे यीशु मसीह को, हालेलुया, क्योंकि उसका वचन जो था अधिकार के साथ। आज मैं और आप अपने अधिकार का उपयोग अपनी नौकरी में, अपनी छुट्टी में, अपने और कामों में करते हैं, लेकिन क्या मैंने और आपने, क्या मेरे प्रियो, उस अथॉरिटी का उपयोग, उस ताकत का उपयोग अपने परमेश्वर के कार्यों के लिए किया है? उसने कहा है मत्ती 18 उसके 18-19 पद में लिखा है कि जो कुछ दो व्यक्ति एक मन के प्रार्थना करेंगे, जो कुछ वाचा बांधेंगे, जो नीचे बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी। ये अथॉरिटी दी है। आगे हम और भी चीजों को सीखेंगे कि क्या अथॉरिटी किस प्रकार से दी है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका वचन अधिकार सहित था। 33वां पद कहता आराधनालय में एक मनुष्य था। अब ये जो उपदेश चल रहे थे ये आराधनालय में चल रहे थे, प्रभु की हैकल में, परमेश्वर पिता की हैकल में चल रहे थे। और क्या हुआ, एक आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। आज किसी के अंदर कौन सी अशुद्ध आत्मा है, कौन सी अशुद्ध आत्मा है? वो अशुद्ध आत्मा है मेरे प्रियो गाली देने की, गंदी बातों के लिए, गंदी सोच के लिए, व्यभिचार के लिए। ये सब जो है क्या है, मेरे और आपके अंदर आदत है। ये क्या है, अशुद्ध आत्माएं हैं जो मेरे और आपके अंदर काम करती है। किसी को हमने देखा है कि एक जगह में पिछले संडे में प्रचार कर रहा था एक चर्च के अंदर, और वहां पर हमने ये देखा कि एक 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 बहन ने आकर के पास्टर साहब से कहा कि पास्टर साहब वहां पर मेरे एक भाई है, उसको बार बार ये मन होता है कि मैं क्या करूं, फांसी लगा लूं, क्या करूं मैं, फांसी लगा लूं। लेकिन वहां पूछा उन्होंने, पास्टर साहब ने उस बहन से पूछा कि क्या वहां पर क्या चीज है वहां पर, कि उसके एक भाई ने और फांसी लगा ली थी, एक बहन ने फांसी लगा ली थी, और एक छोटा भाई और है वो भी ये चाहता है कि मैं फांसी लगा लूं। तो मेरे प्रियो ये अशुद्ध आत्मा है, ये फांसी की अशुद्ध आत्मा है जो लोगों को प्रेरित करती है कि हम ऐसा गलत काम कर दें। आज मैं और आप मुंह से गाली देते हैं, क्यों, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा हमारे पर कंट्रोल करे। जी हम उससे ग्रसित हो गए और हम गाली देने की गंदी आत्मा है, व्यभिचार की गंदी आत्मा है, और मुख से गंदी गंदी बातों को कहने का है, गंदी पिक्चरों को देखने का है, अन्य प्रकार के पाप करने का है, आंखों से देखने का अशुद्ध आत्मा हमारे पे कंट्रोल करे। हालेलुया। और जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और अगला बात कहता है, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, और वो बड़े ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। क्या चिल्लाया उसने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप प्रभु के कलाम को जोर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये वचन जो है ये वचन ही काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने किसी बीमार के लिए प्रार्थना की, आपने किसी किसी के लिए भी प्रार्थना की, वो वचन की अथॉरिटी आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन उसने क्या करा कि तुरंत वचन को जो है उसने, वचन की अथॉरिटी मुझे दी गई और आपको दी गई, क्योंकि वचन क्या है, स्वयं यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साधारण बात है मेरे प्रियो, कहीं कुछ सोचने का अवसर नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं कि आप कुछ और करें। वो 34वें पद में कहता है, वो चिल्ला बड़े ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी। क्या चिल्लाया, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, वो दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है वो तो पहचान गई, क्या कहने लगी, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। आज जिन में गंदी आत्मा है, जिन में गंदे विचार हैं, जिन में गंदी सोच है मेरे प्रियो, आज वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, वो परमेश्वर पिता से दूर हैं, वो खुदा के लोगों के साथ नहीं मिलना चाहते, क्योंकि शराब की गंदी आत्मा है,
हम देखते हैं अक्सर हम विश्वास हम मसीही परिवारों में क्या होता है मेरे प्रियो, कि हम बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं और जन्मदिन है या कोई एनिवर्सरी कोई भी चीज है, बड़े लोगों को हम बुलाते हैं और क्या होता है मेरे प्रियो की जब हम उन्हें बुलाते हैं और बड़े स्टार्ट जब हम करते हैं तो कहते हैं अरे हम प्रार्थना करके परमेश्वर के दास को बुलाइए, अरे प्रभु के सेवक को बुलाइए, वचन के साथ प्रार्थना के साथ करेंगे हम, और वो वचन के साथ प्रार्थना के साथ और बड़ा प्रचार भी होता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है जो अशुद्ध आत्मा है वो अपना काम करने लगती है। प्रेज द लॉर्ड नॉमी सिस्टर जैमसी। और वो अशुद्ध आत्मा क्या करने लगती है, काम करने लगती है। क्या होता है जैसी दुआ खत्म हुई फिल्मी गाने बजने लगे, डीजे पर डांस होने लगा, ये क्या है, ये भी तो एक अशुद्ध आत्मा है मेरे। जो अशुद्ध आत्मा आपको प्रेरित करती है काम करने के लिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब आपने प्रचारक को बुलाया, बहुत अच्छा प्रचार किया, उसने बड़ी सेवा करी और क्या हुआ, उस सेवा करने के बाद मेरे प्रियो फिल्मी गाने बजने लगे और धीरे से एक ढक्कन के खुलने की आवाज आई, हालेलुया। और क्या हुआ कि ग्लास सज गए और शराब का दौर शुरू हो गया। अरे मेरे प्रिय, मेरे भाई बहनों, मेरे अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। अशोक कुमार जी, प्रभु आपको आशीष दे भाई, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और क्या होता है, वो शराब के प्याले खुलने लगे। अभी आपने प्रभु के कलाम को सुना, आपने प्रभु के वचन को सुना, लेकिन क्या है, आपके अंदर जो अशुद्ध आत्मा है वो अपना असर दिखाने लगती है और हम पार्टी करते हैं और हम शराब का दौर शुरू हो जाता है। भूल जाते हैं कि इसी मुख से हमने अभी परमेश्वर की महिमा करी है, भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर को परमेश्वर का आदर और सम्मान किया। प्रेज द लॉर्ड क्रिस्टल सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, क्या क्या हमने, कितनी अथॉरिटी हमारे पास है, प्रेज द लॉर्ड। उस अशुद्ध आत्मा का कंट्रोल हमारे जीवन पर चला, उसकी अथॉरिटी पर चल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अपने दोस्तों को पिला रहे हैं, अपने संगी साथियों को बुला, इसी मुख से हमने परमेश्वर की महिमा करी और इसी मुख से हम उनके साथ ही कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं बहुत से पार्टीज में जाता हूं और बहुत से जगह जाता हूं, तब मुझे ऐसा दिखाई देता है तो बड़ा दुख होता है और हम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी वहां से हो सके हट जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे अन्य रिश्तेदारी में हो, चाहे किसी हम फंक्शन में हो, ये सब के अंदर लोगों में ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इन कामों को कर रही है। और वो कह रहा है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया। अब दुष्ट आत्मा तो पहचान गई कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर पिता का पुत्र है। वो कह रहा तू हमें नष्ट करने आया और मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूं, चेले नहीं पहचान पाए, आज मनुष्य जो है नहीं पहचान पा रहे, क्या हो रहा है। वो कह रहे तुझे हमसे क्या काम, लेकिन मैं तुझे जानता हूं, वो दुष्ट आत्मा जानती है। लेकिन वशिष्ठ सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। दुष्ट आत्मा अपना प्रभु यीशु मसीह को पहचान गई, लेकिन आज मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता, परमेश्वर पिता को नहीं पहचान रहा, उसके चेले जो उसके साथ रहते थे वो भी नहीं पहचान रहा। वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं अरे ये कौन है जो आंधी और पानी को डांटता, आंधी और पानी भी इससे रुक जाते। प्रेज द लॉर्ड, ये अथॉरिटी थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। इसी प्रकार से मुझे और आपको भी परमेश्वर ने यह अथॉरिटी दी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को लेकर के लोगों को चंगाई दें, लोगों को प्रार्थना करें, लोगों के ऊपर सुसमाचार इस मुख से बोले, ये अथॉरिटी दी है, ना कि ये अथॉरिटी दी है कि हम क्योंकि दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में, तो शराब, सिगरेट, नशा, गंदी आदतें, गंदी बातें, गाली बकना, ये सब चीज करना, ये हो गया हमारे जीवन। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मैं तुझे जानता हूं, दुष्ट आत्मा कह रही मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया, क्या खूबसूरत बात कही।
नताशा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे बहन। और वो कह रहा है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है और मैं और आप आज तक नहीं पहचान पा रहे कि कौन है यीशु मसीह, कौन है परमेश्वर पिता। हम इधर उधर गंडे ताबीज के लिए जाते हैं, हम ऐसी चीजों में जा रहे हैं। अन्य अन्य मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे विश्वासी लोगों को मैं जानता हूं कि बहुत से विश्वासी अन्य चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको परमेश्वर ने बहुत अथॉरिटी दी है मेरे प्रियो, उस अथॉरिटी का उपयोग करना मेरा और आपका काम है। हालेलुया। अब वो कह रहा है कि तू पवित्र जन है परमेश्वर, वो तो आत्मा जान गई। अच्छा 3500 पद कहता है यीशु ने उसे डांट कर कहा, अब प्रभु यीशु मसीह ने डांट कर कहा, मैं और आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी पर हाथ रख के प्रार्थना करा, दुष्ट आत्मा निकल गई, वो मेरी सामर्थ से नहीं निकली, आपकी सामर्थ से निकली, सामर्थ तो प्रभु यीशु मसीह की है मेरे प्रिय। सामर्थ किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की, उसके द्वारा ये सब काम हुआ है। लेकिन आज मनुष्य ये सोचने लगता है अरे मैंने दुआ करी थी तब वो चंगा हुआ, ऐसे थोड़ी चंगा हो गया, मैंने उसके लिए दुआ करी थी। मेरे प्रियो मेरे अजीजों भूल जाइए इस बात को, ये बात तो मुझे और आपको अपने मुख पे लानी। आज दुनिया के लोगों को भी यही है कि जिसने उसके लिए प्रार्थना करी, जिस किसी व्यक्ति ने प्रार्थना की उस व्यक्ति के पीछे लोग भागने लगते हैं। मेरे प्रियो मेरे अजीजों मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप कभी ऐसा मत करिए। यह अथॉरिटी दी जाती है मनुष्य को, लेकिन सामर्थ परमेश्वर की है, सामर्थ मेरे यीशु मसीह की है जो ये चंगाई देता। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा, यीशु मसीह ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। अथॉरिटी थी ना, ये अथॉरिटी किसकी है? परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दी है। ऐसी परमेश्वर ने मुझे और आपको अथॉरिटी दी है। आप और मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे करके देखिए, ये सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो। आप जब करके देखेंगे विश्वास के साथ और उसी अथॉरिटी को लेकर चलेंगे जो अथॉरिटी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी थी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी। क्या कहा? जाओ और सुसमाचार सुनाओ और जिनको पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो अथॉरिटी दी है, इसी प्रकार से मुझे और आपको भी अथॉरिटी दी है, मेरे और आपको इस अथॉरिटी का उपयोग करना है। और उसने कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा चुप रहे और निकल जा, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। लेकिन लिखा है कि तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हानि नहीं पहुंचा सकी, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह की थी, आज्ञा किसकी थी? यीशु मसीह की थी। निकल जा, निकल गई। हालेलुया। 3600 पद कहता है इस पर सबको बड़ा अचंभा हुआ और वे आपस में बात करके कहने लगे हालेलुया। अब अचंभा होने लगा जब मैं और आप जो साधारण व्यक्ति हैं, जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति में प्रार्थना करते हैं वो चंगा हो जाता है, तो क्या होता है? इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बात करके कहने लगे ये कैसा वचन है? हालेलुया, ये कैसा वचन है? और वो जानते नहीं कि ये वचन खुद स्वयं परमेश्वर पिता यीशु मसीह है। हालेलुया। ये कैसा वचन है? क्योंकि ये अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को पहचाने? उसने कहा ये तो बड़े अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ। अधिकार भी किसका था? भाई जिनेंद्र सिंह जयमसी की, प्रभु आपको आशीष दे। और वो कह रहा है कि अथॉरिटी, वो अधिकार और सामर्थ किसकी थी? अधिकार परमेश्वर ने दी दिया, सामर्थ भी परमेश्वर की थी। हालेलुया। मेरे प्रियो जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, आप इस बात का उपयोग करके देखिए, इस प्रयोग को करके देखिए, देखिए प्रभु आपके साथ कार्य करेगा। तब आप कहेंगे हाँ वो परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास है।
हालेलुया, उस सामर्थ का उपयोग कीजिए मेरे प्रियो, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा मेरे प्रियो, यह अनुभव बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको करके मुझे और आपको देखना है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता था। प्रेज द लॉर्ड। और वे निकल जाती थी, और क्या होता था, वो निकल जाते थे। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी, और चारों ओर क्या होगी, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा होने लगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अथॉरिटी दी थी, और उस अथॉरिटी के आधार पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर दो। हालेलुया, आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी दी है मेरे प्रिय अजीजों, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर आप इस अथॉरिटी का उपयोग करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और हर क्षण हर पल आप और मैं परमेश्वर की क्या करते रहे, महिमा करते रहे, परमेश्वर का क्या करते रहे, धन्यवाद हर पल हर क्षण। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिताजी तेरे सम्मुख आते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने अपनी अथॉरिटी हमें दी है, वो अधिकार हमें दिया है, वो सामर्थ्य तूने दी है प्रभु। तेरे धन्यवाद करते हैं तेरे इस चीज के लिए जो तूने हमें दिया खुदा, और वचन के अनुसार तूने हमें बता दिया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 18:18 में कि जो कुछ तुम अधिकार से करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए जितने ऑनलाइन है समय, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद। सबको आशीषित करना, अपने अनुग्रह में रखना, अपनी दया में रखना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कोई बीमार है यीशु मसीह तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं वो चंगे हो जाए। खुदावन भाई जिनके लिए हमने निवेदन रखा था, भाई बालकिशन के लिए प्रभु जी, और भी हमारे भाई बहन है, कई लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन जो बीमार है खुदावन, बीमारी के बिस्तर पे खुदावन अपने लहू से शुद्ध करो, उन्हें चंगा करो। जो लोग इस रात्रि में सफर करते तेरी महिमा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सके, सुरक्षित पहुंचाना प्रभु, चाहे वो सड़क के रास्ते से जाते हो, चाहे वो रेल के रास्ते से, चाहे हवाई जहाज से जाते हो प्रभु, तू आप सहायता कर। प्यारे खुदावन तेरे से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो तेरे प्यारे बेटे और बेटियां तेरे वचन के अनुसार चलते हैं सबको आशीष देना। जहां जहां तेरा सुसमाचार फैल रहा प्रभु, जो सेवक लोग तेरा प्रचार करते हैं वो अथॉरिटी के साथ तेरे वचन को लेकर प्रचार कर सके। पिता सब कुछ तेरे हाथों में सौंप, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल शाम को 7 से 8 पास्टर रेवरेंड दिनेश साय साहब, जो कि खुर्जा शहर से हैं, प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे, और रात्रि में 8 से 9 सीमा सब लोग सिस्टर, जिला उल्लासनगर जिला थाने से हैं। प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे दोनों भाई बहनों को, और हमें भी अपने प्रार्थना में याद रखिए कि हमारे सेशन में प्रभु, जब हम डेली डिवोशन में जाते हैं तो प्रभु की अगुवाई में होते हुए प्रभु के वचन की सेवकाई कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया है जो 7 से 8 का स्लॉट है रेवरेंड दिनेश साय साहब, और 8 से 9 सिस्टर सीमा सब लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।